देखिए जहाँ मेरी उंगली है ना इस जगह, एक काला काला जो है ये ना क्रोकोडाइल पड़ा हुआ है। ये सारा ना डैम वाला एरिया है सामने, ये पूरा ये आप देख रहे हैं ना, ये सारी घास सिरवाल जितनी भी है। ये सारा ना डैम वाला एरिया है सामने, ये पूरा ये आप देख रहे हैं ना, ये सारी घास सिरवाल जितनी भी है उसके पीछे वो साइड जो है उस साइड में डैम है, और फिर उस साइड अगर आगे की तरफ आप जाएंगे तो नेपाल वाला एरिया शुरू हो जाता है सब। और इसमें जहाँ ना बीच में पानी रुका हुआ है उस जगह ना क्रोकोडाइल्स वगैरह भी हैं। ये जैसे ये बीच में पानी है तो इसमें क्रोकोडाइल भी दिखाई देता है इस एरिया में। ये देखिए हॉर्नबिल गया, ये भी उस सामने देखिए जहाँ मेरी उंगली है ना इस जगह, एक काला काला जो है ये ना क्रोकोडाइल पड़ा हुआ है। ये ग्रीन ग्रास है इसके ऊपर, ये देखिए काला काला बिल्कुल, ये वाली ग्रीन ग्रास है इसके ऊपर आप देखिए एकदम, ये क्रोकोडाइल है और बहुत बड़ा क्रोकोडाइल है। देखा आपने, ये डैम के अंदर है। ये देखिए आप, शारदा सागर डैम की स्टार्टिंग है यहाँ से और ये आगे तक चला गया है पूरे नेपाल तक। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको आगे का फिर ये दिखाता हूँ कि ये कहाँ जाकर रुक रहा है। भाई यहाँ का व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू है। सामने से सूरज ये छिपने वाला है थोड़ी देर में, और आप डैम देखिए, शारदा डैम बोलते हैं इसे। कितना खूबसूरत लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकता इस टाइम। और ये सामने आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे सूरज की ना रोशनी आप देखिए, किरणें जहाँ पानी में पड़ी हैं, इस जगह आप डक्स देखिए, ये वाइल्ड डक्स हैं सारी, लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रही हैं ये। और ये सब ऐसे घूम के वो साइड जाके सब, वो पीछे वाली जंगल की पीछे वाली साइड जो है वो सब नेपाल है। उधर सामने आपको एक टावर दिखाई दे रहा होगा, सब नेपाल, उस टावर के पीछे वाला जो एरिया है सब नेपाल का है। ये जंगल खत्म होती पीछे वाला सारा एरिया नेपाल का है। तो इस टाइम हम आप ये सोच सकते हैं कि हम नेपाल के बॉर्डर पर हैं। खूबसूरत जगह और बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा है इस टाइम, क्योंकि सूरज छिप। डक्स देखिए आप यहाँ पर, कितनी सारी डक्स हैं, ये देखिए डक्स ही डक्स हैं।
एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा, अगर आपको यहाँ कभी भी डैम पर आना है ना, तो आप शाम के टाइम आना, कम से कम 4 साढ़े 4 बजे करीब, क्योंकि आप जब यहाँ पर अपना थोड़ा सा टाइम बिताएंगे तो आपको ना सनसेट होता हुआ दिखाई देगा, और ये सनसेट बहुत ही प्यारा लगता है इस टाइम। थोड़ी देर बाद देखना, जैसे जैसे ना टाइम थोड़ा थोड़ा ऊपर होता चला जाएगा, यानी अंधेरे के करीब होते चले जाएंगे, तो ये सूरज ना और ज़्यादा लाल होना शुरू हो जाएगा, तो वो वाला टाइम बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। इस टाइम देखिए आप, सनसेट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो चुका है, लेकिन क्योंकि क्योंकि डैम वाला एरिया है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी है, लेकिन शाम के इस टाइम कम से कम 7 बजे का टाइम है ये, और आप स्काई देख सकते हैं, स्काई में कितने ज़्यादा कलर्स हैं, क्लाउड्स वगैरह आप देखिए, बिल्कुल इस टाइम ऐसा लग रहा है स्काई जैसे कि पानी पर जाकर मिल चुका। डैम के बारे में थोड़ा सा बताना भूल गया था, असल में डैम जो है ये शारदा सागर डैम जो है 25 स्क्वायर किलोमीटर्स बड़ा है, जो यहाँ से होता हुआ ये सीधा नेपाल जाकर रुक रहा है, और इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो यूपी में है, और थोड़ा बहुत जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न साइड में है। तो यहाँ ये वाली जो रोड आपको दिखाई दे रही है, ये कम से कम 25 से 30 किलोमीटर लंबी है। रात हो चुकी है, आप देख ही रहे हैं, और फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।